कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई कार्यशाला जिसमें मीजल एवं रूबेला वायरस के रोकथाम के लिए टीके लगाए जाने के कार्यक्रम को होना प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिए आज गुना के स्कूलों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही कहा गया कि इसकी रोकथाम के लिए दोनों बीमारियों का एक ही टीका लगाया जा रहा है। वो हमने बचपन में देखी है, ये एक्चुअल में एक वायरल डिजीज है रूबेला मिसल्स के नाम से। तो उस डिजीज के बचाव के लिए वैक्सीनेशन होना है 9 साल से 15 साल के बच्चों को। तो उसकी जानकारी देने के लिए मीटिंग रखी गई थी, CNO साहब ने बुलाया था। उसमें काफ़ी तादाद में प्राइवेट स्कूल संचालक लोग उपस्थित हुए। उसमें अब ये जो है वैक्सीनेशन के लिए भेजेंगे अपनी टीम को, और उसी संदर्भ में हम लोगों को सहयोग के लिए इन्होंने सर कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास तक बताया है? क्लास नहीं, इसमें एक्चुअल में उन्होंने एज हम लोगों को दी है 9 से 15 वर्ष के बच्चों को ये वैक्सीनेशन होना। क्या सहयोग क्या मांगा आप? सहयोग ये बच्चों को इंजेक्शन दिए जाएं और उनके पेरेंट्स को भी जो है समय से अवगत कराया जाए, और उनको जो समस्याएँ भविष्य में इस बीमारी को लेकर होने वाली हैं। पहले तो गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया है, तो इसके लिए बहुत साधुवाद, अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि ये एक समय से बचाव ही इलाज है। अभी हमको जो है ये जानकारी दी है कि बचाव ही इलाज है, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है। इसमें जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं छोटे स्तर पे बच्चे को, तो वो फिर जो है एक तरह से लाइलाज जो है कि फिर जो है बहुत सारा पैसा दे के अगर इलाज होता भी है तो वो लाइलाज ही है एक तरह से माना जाए। तो बचाव में हमारा कुछ लग नहीं रहा गवर्नमेंट से, हॉस्पिटल से। सर वैसे छोटे बच्चे हैं, वो किसी को बुखार आ जाता तो पेरेंट्स आपके पास आएंगे तो सर ऐसा आपको ऑब्जेक्शन उठाएं? फिर देखिए हमको तो ये बताया गया है कि इससे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, यानी कि इनका जो इतिहास है, जो इनके पास आंकड़े हैं, वो आंकड़े इनके ये कहते हैं कि किसी बच्चे को इससे कोई प्रॉब्लम इससे पहले कभी नहीं हुई, यानी कि ये पूरी तरह से सेफ है। और इसमें किसी बच्चे को या किसी पालक को किसी भी तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो है प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापकों की मीटिंग हुई थी, इसमें मीजल्स रूबेला अभियान के बारे में जानकारी दी गई थी। मीजल्स रूबेला अभियान में 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे, और इन टीकों से मीजल्स तथा रूबेला दोनों ही बीमारियों का बचाव होगा। ये एक बार टीका लगेगा। मीजल्स जो है वो भी खतरनाक बीमारी है और रूबेला भी खतरनाक बीमारी है। मीजल्स में बुखार आता है, दाने पड़ जाते हैं, इसके अलावा निमोनिया हो सकता है, दिमाग का बुखार हो सकता है, और मीजल्स ठीक होने के बाद टीबी की बीमारी भी किसी किसी बच्चे को हो सकती है। जबकि रूबेला बीमारी ऐसी है कि अगर गर्भवती माता को पहले 3 महीने में रूबेला की बीमारी हो जाती है तो उसके बच्चे का दिमाग छोटा हो जाता है, वो अंधा या बहरा हो सकता है, इसके अलावा उसके दिल में छेद की बीमारी हो सकती है। इन दोनों बीमारियों का एक ही टीका है, एक ही इंजेक्शन लगेगा, खाल के अंदर लगेगा। और ये टीके लगाने के लिए महिला बाल विकास तथा स्कूल विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, ये दोनों सहयोग कर रहे हैं। WHO का भी इसमें पूर्ण सहयोग है।